हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हिमांशु गोनल सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और ड्यू की गेमिंग सोसाइटी जो कि है आर्केड गेमिंग सोसाइटी भाई, उसके सारे मेंबर्स आज फाइनली मीट अप कर रहा है और हम करने वाले अपनी न्यू जर्सी रिवील। कुछ हम यहां पे कंटेंट क्रिएशन करने वाले हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट शूट करने वाले हैं, तो ये वीडियो रहने वाली है उसका BTS। तो यार इस वीडियो में बने रहो, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम तुम्हें इंट्रोड्यूस करते हैं आर्केड सोसाइटी के मेंबर्स। हे गाइस, दिस इज ईश्वर यादव एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ आर्केड सोसाइटी। और यहाँ पे काफी सारे हम लोगों के पास गेमर्स हम लोगों ने कलेक्ट कर रखे हैं। हमारे पास अराउंड 6-7 मंथ्स हो चुके हैं स्टार्ट किए हुए और अब हमारे पास प्लेंटी ऑफ गेमर्स है। साथ में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होनार गेमर भी है। हे गाइस, माय नेम इज विजय चौधरी, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्केड सोसाइटी। गाइस, आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द आर्केड सोसाइटी। गाइस, माय सेल्फ जतिन कुमार, आई एम द मेंबर ऑफ द मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। माय नेम इज प्रिंस पटेल एंड आई एम द मेंबर ऑफ पब्लिक रिलेशन। आई एम चंद्रशेखर, आई एम फ्रॉम आर्केड सोसाइटी, मेंबर ऑफ कंटेंट एंड मार्केटिंग। तो इट्स मेंबर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। हिमांशु गुजर, मेंबर मीडिया एंड कम्युनिकेशन। हार्दिक बंसल, पब्लिक रिलेशंस एंड मेंबर। सिमरत सिंह छाबड़ा, मार्केटिंग एंड कंटेंट एसोसिएट मेंबर। अशिल दवर, डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन। विनय रोहिल, टेक्निकल एंड प्रोडक्शन मेंबर। जतिन सेठ, सीनियर एडवाइजर। हिमांशु पटियाल, मार्केटिंग हेड। शशि चौहान, कम्युनिकेशन हेड। मोहम्मद अहमद सलमी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन मेंबर। सुमित पैरा, PR एंड स्पॉन्सरशिप हेड। अनुज शर्मा, मार्केटिंग एंड कंटेंट डिपार्टमेंट। हर्ष राजवंशी, वाइस प्रेसिडेंट। माय नेम इज हार्दिक राजगौतम और मैं मार्केटिंग एंड कंटेंट डिपार्टमेंट से हूं। मैं विराज परिहार, आई एम द टेक्निकल हेड। मैं हिमांशु गोनिया, टेक्निकल प्रोडक्शन का हेड। अभी यहां पे चल रहे हैं शूट की प्लानिंग, रील्स की, VR गेमर्स की, और अभी बस शूट होने वाला है स्टार्ट। ये हमारे सारे भाईचारे 38 के 38 बिरादरी हमारी शेर। भाई पार्क में बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लगा रहे हैं और अभी हमारे भाई लोग जा रहे हैं आगे नई लोकेशन पे शूट की। फुल एकदम फुकरे वाली लोकेशन है और यहाँ पे तुम देख सकते हो कुपुल पेड़ हो चुकी है। आपसी मुठभेड़, बहुत डिस्कशन हो रहा है। यार का भी व्यू दिख रहा है कुतुब मीनार। हाइकिंग चल रही है, हाइकिंग। अलग लोकेशन पे शूट कर रहे हैं भाई बच्चे, देख लो भाई कितने रिस्क चल रहा है। VR gamers, of course, we can never end on a loss. भाई 20 बार हार चुके हैं। अबे यार। VR gamers, of course, we don't have anger issues. But bro, what the hell is this aim? VR gamers, of course, we don't have sleep schedule. VR gamers, of course, we are fitness freak. VR gamers, of course, we never touch grass. VR gamers, हम लोग कहीं पे भी खेलते हैं। पर्सनली गेमिंग ने मोस्टली एंगर इश्यूज दिए और घर वाले से डांट। इट हैज टॉट मी अ लॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। इसने मुझे रिफ्लेक्सिव फेस करने में हेल्प की है। हाउ टू कीप रिलेशंस विद फ्रेंड्स एंड कीप देम ग्रोइंग एंड कीप दैट बॉन्ड विद देम व्हाइल प्लेइंग अ गेम। क्रिएटिव आइडियाज बनाने में हेल्प की है। गेमिंग में मुझे सिखाया है कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन एंड लाइक मसल मेमोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन एनी गेम आपको अगर अच्छा होना है तो टाइम देना इज बेसिकली द बेस्ट थिंग टू डू। हाय एवरीवन, आई एम कशिश एंड आज हम अपने आर्केड सोसाइटी के मेंबर्स से कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? ये राइट नाउ फल से माय फेवरेट गेम इज BGMI एंड आई प्ले फोर्टनाइट कभी-कभी। बेसिकली मैं खेलता हूं BGMI मोस्टली। BGMI करंटली मेरा फेवरेट गेम वैलोरेंट है एंड आई आल्सो प्ले BGMI। कितना टाइम स्पेंड करते हो आप गेमिंग में? एक दिन में लगभग 3-4 घंटे। अराउंड 3 टू 4 आवर्स अ डे। 2 से 3 आवर्स। आई मोस्टली सिट डाउन टू प्ले एट नाइट आवर्स 11 और 12 और फिर सुबह जब तक खेल लूं। और कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? तो अभी तो करंटली मैं टीम एक्सपा को सपोर्ट कर रहा हूं। माय फेवरेट टीम इन वैलोरेंट इज सेंटिनल्स एंड BGMI में आई सपोर्ट गॉट सोल। आपको क्या लगता है कि ड्यू में ईस्पोर्ट का क्या सिनेरियो है? राइट नाउ आई थिंक इट्स ग्रोइंग एंड थैंक्स टू आर्केड सोसाइटी अभी और ज़्यादा मेंबर्स जुड़ रहे हैं गेमिंग में एंड आई थिंक इट कैन बी अ रियली गुड सीन इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर। ग्रो हो रहा है जैसे कि आर्केड सोसाइटी बहुत सारी टूर्नामेंट्स करा रही है और बहुत सारे कॉलेज की टीम ज्वाइन कर रही है तो अभी तो ग्रो हो रहा है अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त है एज करेंटली आर्केड सोसाइटी की वजह से मुझे एक्सपोजर भी मिला है बिकॉज आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स एंड सच एज रेज वॉज मुझे बहुत सारा पता चला है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली एंथुसियास्टिक एंड पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है। अभी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे है और काफ़ी स्क्रिम्स टूर्नामेंट्स अनऑफिशियल हो रहे हैं और हमारा सोसाइटी भी काफ़ी प्रमोट कर रही है चीज़ों को। काफ़ी लैंड टूर्नामेंट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे इन द फ्यूचर।